एक और जहां उत्तर भारत शीत लहर की मार झेल रहा है तो वहीं सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। 30 जनवरी से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और ऐसे में अभी से सैनिटरी नैपकिन को लेकर लोगों की मांगें उठने लगी हैं। दरअसल ज्यादातर लोग खासकर महिलाएं चाहती हैं कि जीएसटी से सैनिटरी नैपकिन को बाहर रख दिया जाए, जिसके चलते बकायदा पीएम मोदी को सैनिटरी नैपकिन भेजे जा रहे हैं। ग्वालियर की महिलाओं ने नैपकिन को कर मुक्त करने के लिए अभियान छेड़ रखा है, जिसके चलते महिलाओं के हस्ताक्षर वाले और मैसेज वाले 1000 सैनिटरी नैपकिन और पोस्ट कार्ड पीएम मोदी को भेजे जा रहे हैं। फिलहाल मोदी सरकार ने सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे में रखा हुआ है। उस पर 12% का टैक्स लगने से कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे में देश का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े वस्तुओं पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वे कई तरह के संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में अगर सैनिटरी नैपकिन की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो फिर महिलाएं इनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगी। तो ऐसे में ये देखना बाकी है कि बजट के पिटारे से मोदी सरकार सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से बाहर कर पाती है या नहीं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।